सो गाइस, कैसे हो तुम सभी। तो आज मैं तुम लोगों को डोरेमोन का आज तक का सबसे ज्यादा मिस्टीरियस एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है न्यू ईयर के डेट से, जहां डोरेमोन बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और नोबिता के पूछने पे डोरेमोन बताता है कि मैंने यह पढ़ा है कि यह साल बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि यह साल चूहों का साल होने वाला है। और यह सुन के नोबिता अपनी हंसी नहीं रोक पाता। और तभी डोरेमोन को एक चूहा दिख जाता है और फिर क्या था, डोरेमोन उसे मारने के लिए बॉम्ब ही निकाल लेता है, जिसे नोबिता बहुत मुश्किल से रोकता है। लगता है यह नीला बिल्ला किसी दिन चूहों के चक्कर में पूरी धरती ही उड़ा देगा। और फिर नोबिता डोरेमोन से कहता है कि आज के लिए तुम अपनी सारी वीकनेस मुझे दे दो, आज मैं तुम्हारा यह चूहों से डरने का डर खत्म करके ही रहूंगा। और यह सुन के हमारा डोरेमोन इमोशनल हो जाता है। और फिर डोरेमोन नोबिता को अपनी वीकनेस देने से पहले उसे कुछ पिल्स देता है, जिसे खाने से डर कम हो जाता है। लेकिन नोबिता वो सारी पिल्स डोरेमोन को ही खिला देता है। और फिर आखिरकार डोरेमोन अपनी सारी वीकनेस नोबिता को दे देता है। और फिर नोबिता डोरेमोन से कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि चूहों का सामना कैसे करते हैं। और तभी नोबिता के घर पे नोबिता के अंकल आते हैं, जिन्हें देख के नोबिता डर जाता है, क्योंकि वो चूहे जैसे दिख रहे थे। और फिर क्या, शुरू हो जाता है नोबिता का बुरा वक्त, जिससे नोबिता की बहुत बुरी फटी होती है। और फिर कुछ देर बाहर नोबिता सुनियो से मिलता है, जहां सुनियो ने अपने स्टिक पे चूहे का स्टिकर लगाया होता है। और फिर क्या, नोबिता को हर जगह चूहे ही चूहे दिखने लगते हैं। और वहां दूसरी तरफ कुछ और ही चल रहा था। हमारे डोरेमोन को चूहों से प्यार हो जाता है, जिसे देख के नोबिता की मॉम डैड और उसके अंकल बहुत बुरे डरे होते हैं। लेकिन यहां डोरेमोन का चूहों के लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा था। और फिर कुछ देर बाद नोबिता की मॉम डोरेमोन से कहती है कि इन चूहों को घर से बाहर निकालो अभी। तो डोरेमोन कहता है कि यार इतने प्यारे तो हैं, हम इनके साथ रह सकते हैं। लेकिन नोबिता की मोहम कहां मानने वाली थी, जिसके कारण डोरेमोन को चूहों को बाहर छोड़ने ही जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ चूहे नोबिता का पीछा छोड़ ही नहीं रहे होते, जिसके कारण नोबिता आखिरकार बेहोश हो जाता है। और वहां दूसरी तरफ डोरेमोन और चूहों का अलग ही इमोशनल सीन चल रहा होता है। और तभी सिज़ुका डोरेमोन को बताती है कि नोबिता बेहोश हो गया है, जिसे लेके डोरेमोन घर आता है। और फिर घर पहुंचने के बाद भी नोबिता बहुत बुरी तरह डरा होता है। और फिर कुछ देर बाद नोबिता को होश आता है, जहां नोबिता डोरेमोन से कहता है कि मुझे माफ कर दो, आज मुझे पता चला कि तुम्हें कितनी परेशानियां होती हैं। और यह सुन के हमारा डोरेमोन रो पड़ता है। यह भी एपिसोड एंड हुआ। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।